महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सुर्खियों में आई महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने रविवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर बताएं। उन्होंने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसके लिए मुझे सजा दी गई है। अगर हनुमान चालीसा और राम का नाम लेना गुनाह है तो मैं 14 दिन नहीं बल्कि 14 साल तक जेल में रहने को तैयार हूँ। शिवसेना एक महिला की आवाज को दबा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भगवान के नाम की लड़ाई है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने मेरे ऊपर क्रूर कार्रवाई की, उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, मुझे जेल में टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कितना भी संकट आए मैं संकट मोचन का नाम लेना बंद नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूँ, मेरे ऊपर जेल से लेकर लोकअप तक अत्याचार हुआ, मेरी तबीयत खराब थी, इसके बाद मुझे इलाज के लिए ले जाया गया। इसके अलावा नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को विरासत में सत्ता मिली है, अगर वो जनता के बीच चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी।